हरे कृष्णा। तो अभी हम प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय से पाठ कर रहे हैं, जहाँ नारद मुनि व्यासदेव को भागवत उपदेश कर रहे हैं और बहुत ही निरपेक्ष रूप से, बहुत ही स्पष्ट रूप से नारद मुनि संदेश दे रहे हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार का घुमाव नहीं है, किसी प्रकार का इनडायरेक्ट मैसेज नहीं, डायरेक्ट दोष दे रहे हैं भागवत धर्म में। उस प्रकार से बताते हुए अभी हम आगे के श्लोक पढ़ने वाले हैं। त्वमात्मनात्मनम् एवेहियमोघदृक् परस्य पुंसाम् परमात्मना कलाम् अजम् प्रजातम् जगता शिवस्य तन् महानुभावाभ्यदयो अधिगण्यतम। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीवात्मा के अंदर चार प्रकार के दोष होते हैं, जो बद्ध जीवात्मा जो भौतिक संसार में बद्ध है उनमें चार प्रकार के दोष होते हैं। पहला है उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। जब इंद्रियां अपूर्ण है तो दूसरा लक्षण जो होता है बद्धात्मा का वह होता है कि वह भ्रम में पड़ता है, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, वो भ्रम में पड़ता है। इंद्रियां अपूर्ण है तो ज्ञान भी अपूर्ण है, वह भ्रम में पड़ जाता है। तीसरा है जब व्यक्ति भ्रम में पड़ता है तो वो गलतियां करता है, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, वो गलतियां करता है। और चौथा है जब वो गलतियां करता है तो उन गलतियों को छुपाने के लिए वो चीटिंग करता है, टेंडेंसी टू चीट। उस प्रकार से ये चार प्रकार के दोष जीवात्माओं के अंदर होते हैं। लेकिन व्यासदेव क्योंकि भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, ये चार दोष उनके अंदर नहीं, उनकी दृष्टि पूर्ण है। उनके अंदर भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए और बताने के लिए दोनों के लिए सक्षमता है। इसीलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपको अधिकार है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने के लिए। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार है। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहिंतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृति जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश है और उनके सनातन सेवक है। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाए और भव बंधन से अपने को मुक्त करे। यद्यपि श्री नारद मुनि ऋषि श्री व्यासदेव के औपचारिक गुरु है, लेकिन श्री व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है क्योंकि वे मूल रूप से अन्य संभों के गुरु है, अन्य सबों के गुरु है। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवात्मा बद्ध अवस्था में इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रेरित रहती है, तो भगवान उनको मदद करने के लिए अनेक अनेक आयोजन करते हैं। ये कृपावश अवतार लेते हैं भगवान। जो जीवात्मा भौतिक संसार में पतन हो गया है, जो गिरी हुई है,
उनको उद्धार करने के लिए भगवान किसी तरह जीवात्मा आकर्षित हो जाए यह प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर एक छोटा बच्चा है और वो खाने में बहुत नाटक नखरे करता है, तो माता क्या करती है, अलग अलग खाने के पदार्थ बनाती है कि कुछ तो इसको अच्छा लग जाए, तो ये एटलीस्ट खा लेगा, इसके शरीर में पोषण मिलेगा और इसके जीवन में आगे ये शक्ति प्राप्त करेगा। उसी प्रकार भगवान की स्थिति है, भगवान अलग अलग अवतारों को लेते हैं, वैदिक साहित्य को भेजते हैं, अपने अनुयायियों को भेजते हैं, जिससे जीवात्मा कभी तो अपने भौतिक संसार से निकलने का प्रयास करे। तो व्यासदेव उसी प्रकार से एक शक्तिवेश अवतार है, लेकिन फिर भी उन्होंने नारद मुनि को गुरु रूप से स्वीकार किया और उनके निर्देशों को वो पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री चैतन्य महापुरुष सभी ने जब अवतार लिए तो उन्होंने गुरु स्वीकार किए, तो उस प्रकार गुरु स्वीकार करने का भी महत्व इधर बताया जा रहा है। अगला श्लोक, इदम हि पुंसाम तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदात्तया अविंच्युतोऽर्थ कविभिर् निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट किया कि यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का सूचक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो जो वास्तविक विद्वान है उनका यह निष्कर्ष है कि जितने भी वैदिक कार्य है, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वेदों का पाठ हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे जप इत्यादि हो, उनका एकमात्र प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण, जो उत्तम श्लोक के नाम से विख्यात है, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करने में अगर जीवात्मा की रुचि आ जाए तो उसकी सारी क्रियाओं सार्थक हो गई। और अगर उसकी यह भावना ना आए कि भगवान की लीलाओं का गुणगान श्रवण करे, तो चाहे वो कितने भी इस प्रकार से जप तप करता रहे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अभय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चले हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के ब्रह्म सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वह नहीं समझ पाते कि पूर्णता यह आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए ज्ञान विज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। हरे कृष्ण। तो जितने भी क्रियाएं हैं उनका एकमात्र अभिप्राय है कि किस प्रकार भगवान के प्रति जीवात्मा ज्यादा सचेत है। वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कला, विज्ञान, दर्शन इत्यादि वस्तुओं का सृष्टि हुई है, लेकिन अगर वह वस्तुओं का उपयोग भगवान से प्रेम ना करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम ना बढ़ाए और भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति बढ़ाए, तो वह माया में पड़ा हुआ जीव कहलाता है। माया का केवल एक ही अर्थ है, जहाँ कृष्ण नहीं है वह माया है, जहाँ कृष्ण की उपस्थिति हो जाएगी वह माया अपने आप चली जाएगी। तो जब जीवात्मा कृष्ण को भूल जाता है, उस स्थिति को मायाबद्ध जीवात्मा कहा जाता है। जब वह कृष्ण चेतना में दोबारा आ जाता है, तो फिर माया का अधिकार उस जीवात्मा पे नहीं होता। हरि प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है।
अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला विज्ञान दर्शन भौतिकी रसायन मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा कांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला साहित्य पद्य चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। भक्ति प्रेम महाराज बहुत सरल उदाहरण देते हैं। महाराज बताते हैं कि मान लीजिए, अभी दो दिन पहले प्रवचन में महाराज बता रहे कि मान लीजिए कोई माता पिता अपने पुत्र को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उस पुत्र को वो मोबाइल फोन खरीद के देते हैं। लेकिन अगर वो वहां विदेश में जाकर के वो मोबाइल फोन से माता पिता से बात नहीं करता है, लेकिन बाकी सबसे बात करता है, तो माता पिता को कितना बुरा लगेगा। और बाद में जब उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा और घर पे फोन करेगा कि आप रिचार्ज कर दीजिए, तो माता पिता से रिचार्ज नहीं करेंगे कि हमने तो रिचार्ज करके भेजा था, आप किधर बात कर रहे थे इतने समय से। उसी प्रकार से हमको मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में ये सामर्थ्य है कि वो अलग अलग कलाओं के माध्यम से, अलग अलग ज्ञान कर्म के माध्यम से भगवान का गुणगान करे। लेकिन भगवान द्वारा प्रदत्त ये शरीर, भगवान द्वारा प्रदत्त ये मन बुद्धि, इसका उपयोग अगर हम भगवान की सेवा में नहीं करेंगे तो फिर अगले जीवन में हम निम्न योनि में चले जाएंगे, क्योंकि अवसर हम खो बैठेंगे। उस प्रकार से सभी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है केवल भगवान की लीलाओं का गुणगान और भगवान की लीलाओं का श्रवण। अब नारद मुनि स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं, ये भी एक प्रचारक के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर वो शिक्षाओं को स्वयं अपने जीवन में उतारेगा तो सुनने वालों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो बोलने वाले तो बहुत हैं, बाहर के कथाकार 10-10 हजार लोगों को प्रवचन करते हैं और लोग उनकी कथा में बैठ करके रोते भी है, लेकिन जब कथा के पंडाल से बाहर निकलते हैं फिर से अपनी दमरो दम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वक्ता अपने जीवन में ज्ञान को उतारता है और साक्षात्कार के साथ बोलता है तो वह हृदय को स्पर्श करता है। तो नारद मुनि ने अभी भगवत चर्चा, भगवत ज्ञान के ऊपर बहुत सारे निर्देश व्यासदेव को दिए, लेकिन अब वो स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं कैसे भगवत सेवा से, कैसे भगवान की शुद्ध भक्तों की सेवा से, कैसे भगवान की लीला गुणगान से उनके जीवन में परिवर्तन आए। यह अपने स्वयं के उदाहरण से अब नारद मुनि बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासस्य तु कस्यश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि अपने पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं। जब वो एक साधारण दासी के पुत्र थे, उनके पिता का कोई वर्णन नहीं है क्योंकि उनकी माता दासी थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ और उनको नारद मुनि जैसे पुत्र मिल गया। और क्योंकि उनका कोई आश्रय नहीं था उनकी माता का, वो अलग अलग घरों में जाती, सेवा करती, शूद्र की जैसे सेवा करती थी। और जो भी उच्च वर्ण के लोग उनको दान में देते उससे उनका पालन पोषण हुआ करता था। लेकिन एक बार उनके स्थान पर एक विशेष बात हुई कि चातुर्मास के वर्षा ऋतु में कुछ विशेष व्यक्तित्व उनके स्थान पर आए। वो थे चार भक्ति वेदांत। ये भक्ति वेदांत विचरण करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि परिव्राजक का अर्थ होता है जो विचरण कर करके प्रचार करते हैं। तो ये भक्ति वेदांत हर जगह विचरण करके प्रचार करते थे। और पहले के जमाने में ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह इत्यादि नहीं थे, तो विचरण कैसे करते थे, पैदल ही विचरण करते थे। तो पैदल विचरण करने में व्यवधान पड़ता था वर्षा ऋतु में। ये वर्षा के जो चार ऋतु, चार मास हैं, ये चार मासों में चलने फिरने में दिक्कत आती थी। तो साधु संत चतुर्मास में एक ही स्थान पर रहते थे। ये चतुर्मास वर्षा ऋतु का समय है और यहाँ पर एक स्थान में रह करके वो भक्ति साधना करते हैं
जैसे अभी चातुर्मास का अंतिम मास चल रहा है कार्तिक मास, कार्तिक मास के बाद फिर दोबारा से अपना विचरण वो शुरू करते थे प्रचार के लिए। इस प्रकार चार भक्ति वेदांत तो उनके स्थान पर आए और यह छोटा सा बालक, उनकी माता उन भक्ति वेदांतों के स्थान को साफ करती, उनके लिए फल फूल इत्यादि लाती, और ये नारद जो छोटा बालक था, उस समय उनका नाम नारद नहीं था, तो वो छोटा सा बालक इन चार भक्ति वेदांतों की व्यक्तिगत सेवा करता, जो भी उनको जरूरत पड़ती, उनके पैर दबाना, उनका सामान उठाना, इस प्रकार से व्यक्तिगत मिनियल सर्विस ये बालक किया करता था। जब हम इस प्रकार शुद्ध भक्तों की व्यक्तिगत सेवा करते हैं तो भक्ति का उदय हृदय में होता है। यह शक्ति केवल और केवल भगवत सेवा से मिलती है। भगवान के भक्ति भगवान स्वयं नहीं देते हैं, क्योंकि अगर भगवान भक्ति देंगे, किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, तो भगवान के ऊपर आरोप लगेगा कि वो पक्षपात करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग भक्ति देते हैं, इसीलिए भगवान के भक्तों की सेवा करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तात्पर्य भी बहुत विशेष है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको समझने का प्रयास करना है। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से ये स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। हरे कृष्ण। तो कई बार लोग चुनौती देते हैं कि आपने भगवान को देखा है क्या, आप क्यों लगे हुए हैं भगवान की सेवा करने। तो यह तर्क कुछ इसी तरह हुआ कि जिस प्रकार पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, और उन नियमों का पालन करने में अगर कोई ये तर्क दे कि क्या आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखा है, क्या आपने प्रधानमंत्री को देखा है, तो नियम क्यों पालन करना है? नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के प्रतिनिधि हमारे सामने हैं। अगर हम ट्रैफिक लाइट पे आएंगे तो हमको ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, वो पार्लियामेंट का ही प्रतिनिधि है। हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर चौकीदार खड़ा रहेगा, वो बोलेगा पार्किंग में गाड़ी लगाइए, वो सरकार का ही प्रतिनिधि है। उस प्रकार से भगवान के प्रतिनिधियों की आज्ञा मानना मतलब है भगवान की आज्ञा मानना। और जब हम ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधियों की सेवा करते हैं तो वो सेवा भगवान के पास पहुंचती है और जीवात्मा उतना शुद्ध होता जाता है जितनी वो सेवा में अग्रसर होता है। ये लाइन बहुत जरूरी है। प्रमाणित गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। यानी कि जितना प्रमाणित गुरु की सेवा में हमारा समर्पण रहेगा, उतना ही भगवान का अनुभव, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन कीर्तन हम लोग अपने जीवन में कर पाएंगे। इस प्रकार से अगर हमको वास्तविक भक्ति में प्रगतिशील होना है तो प्रमाणित गुरु और उनके प्रतिनिधियों की सेवा करनी चाहिए। ते मई अपेता खिल चापल अर्भके दांते द्रिता क्रीडांतके अनुवर्तिने चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाने मुनयोपि अल्पभाषिनी। कसोदन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांतों के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। हरे कृष्णा। तो देखिए,
यद्यपि साधु संत सब निरपेक्ष होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं किसी शिष्य के अंदर समर्पण की भावना ज्यादा है तो वो उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं। जैसे ये परिवार में भी होता है, मानो किसी माता पिता के दो पुत्र हो, एक पुत्र है जो बहुत चपल है, दूसरा पुत्र है वो बहुत गंभीर है, बहुत जिम्मेदारी लेने वाला है। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो माता पिता जो गंभीर बालक है उसको अपनी गोपनीय बात बताते हैं कि हमारी फलाने जगह में ये इन्वेस्टमेंट है, हमारी इंडस्ट्री का ये, उसको जिम्मेदारी देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं दूसरे बालक से प्रेम नहीं करते, लेकिन जो ज्यादा गंभीर है उसको ज्यादा जिम्मेदारियां मिलती है, उसको ज्यादा भरोसा कर पाते हैं माता पिता। उसी प्रकार साधु संत निरपेक्ष होते हैं, लेकिन जिन शिष्यों में, जिन अनुयायियों में विशेष गुण होते हैं, जो गंभीरता दिखाते हैं, उनके प्रति भक्त ज्यादा कृपावान होते हैं। तो यहाँ पर कुछ गुण अपने नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं। प्रथम है दांते। दांते का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में किया था। छोटा सा बालक है लेकिन इंद्रिय तृप्ति के प्रति उसकी आसक्ति नहीं थी। यह आध्यात्मिक जीवन में प्रथम हमारा गुण होना चाहिए। जो भौतिक भोग करना चाहते हैं वो गुरु की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है अद्रित क्रीडन नके, खेलकूद में आसक्ति नहीं थी। छोटा बालक थे लेकिन वो उग्र नहीं थे, वो उपद्रवी नहीं थे, खेलकूद में आना सकते थे और अनुवर्तनी आज्ञाकारी थे, जो बोलते थे तुरंत सेवा कर देते थे। इसीलिए उनको इतनी कृपा प्राप्त हुई। अच्छा, ये तो सब तीन हुए निष्क्रिय चीज कि क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन क्या करते थे। वह श्रुश्रुमाने, सुनने में बड़ी उनकी श्रद्धा थी, कम बोलते थे ज्यादा सुनते थे। ये भी शिष्य का एक गुण होना चाहिए। कई बार कोई लोग इतना ज्यादा बोलते हैं, प्रश्न भी करते तो इतना बोलते हैं, मिलते हैं भी तो इतना बोलते हैं कि भक्तों को बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, कम हमको बोलना है, सुनना ज्यादा है। इस प्रकार से ये गुण नारद मुनि के थे और इन गुणों के कारण भक्ति वेदांतों ने उनको अपना विशेष कृपा आशीर्वाद प्रदान किया। मुकुल प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल तीन विषय है, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित और न कोई अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल और न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से आश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता था, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हो या राजकुमार। उस प्रकार से नारद मुनि को संग मिला भक्ति वेदांतों का। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि वेदों का अंत क्या है, वेदों की अंत है मुझको प्राप्त करना। और हमने द्वितीय अध्याय में भागवत के सुना था कि सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है, भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता है। सावे पुंस परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षते,
भक्ति के माध्यम से वेदों का सार भगवान श्री कृष्ण को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए वेदों का जो अंत है, वेदों का जो सार है वो है भक्ति, इसलिए बोला जाता है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांती कौन होते हैं? जो ये समझ गए हैं कि वेदों का सार, वेदों का अंत है भक्ति। तो अब ये भागवत में ये हम आगे भी देखेंगे, जैसे द्वितीय अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है व्यासदेव ने पहले ही कि वेदों का सार है भक्ति, तो आगे केवल भक्ति वेदांत बोल करके छोड़ दिया। अभी आपको पिछला अगर बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आगे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भागवत क्रम में पढ़ना चाहिए। तीन चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं सारे वैदिक साहित्य तीन विषय में संपूर्ण होते हैं। क्या है वो तीन विषय? पहला है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का मतलब है भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कौन है, भगवान कौन है, यह समझना संबंध ज्ञान कहलाता है। द्वितीय है अभिधेय। प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति कर्म करना, जब हम भक्ति के साधन भक्ति में लगते हैं उसको अभिधेय बोलते हैं, कि संबंध जान गए हैं लेकिन अब करना क्या है उसको बोलते हैं अभिधेय, जैसे सुबह उठना, जप करना, भागवत पढ़ना इत्यादि। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन अर्थ, अगर हम ठीक प्रकार से भक्ति करेंगे तो हमारा गंतव्य क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, इसको बोला जाता है प्रयोजन। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं भगवत धाम जाने के परम उद्देश्य से, इसको बोल रहे हैं प्रयोजन। तो ये तीन विषय जो समझ गए हैं वह शुद्ध भक्त भक्ति वेदांत बोले जाते हैं। और ऐसे भक्ति वेदांत के केवल एकमात्र उद्देश्य से विचरण करते हैं कि कैसे जीवात्माओं को भगवान के प्रति पुनः अपनी आसक्ति को बढ़ाने में मदद करें। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि छोटा बालक अपने भक्ति जीवन में बड़ा गंभीर है, इंद्रियों को इसने जीत लिया है, खेल कूद अनादि वस्तुओं में इसका कोई रुचि नहीं, एकमात्र भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहता है, इसलिए उन्हें बचपन से ही भक्ति वेदांतों ने उस बचपन की स्थिति में उन्हें भगवत ज्ञान प्रदान किया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि आजकल की शिक्षा प्रणाली में समस्या यही है कि बचपन में शिक्षा नहीं दी जाती और एक उम्र के बाद व्यक्ति ढल जाता है अपनी आदतों में, अपनी मानसिकता में, उसके लिए फिर भक्ति का अनुशीलन करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन गुरुकुल पद्धति अगर पुनः स्थापित हो, जहाँ बच्चों को शुरू से ही भगवत शिक्षा दी जाए, या अगर वो आधुनिक शिक्षा ले भी रहे हैं उसके साथ साथ अलॉन्ग विद देयर मॉडर्न एजुकेशन साइड बाय साइड दे आर गिवन डिवोशनल सर्विस आल्सो, तो फिर उससे उनका उत्थान होगा, उनकी चेतना में शुद्धि होगी और वो भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा पाएंगे। उस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये जो अंतिम पैराग्राफ की जो लाइन मैंने मार्क की हुई है, इसको याद रखना है, मार्क करके भी रखना है और जीवन में भी इसको अपनाने का प्रयास करना है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहले इंद्रजीत हुए बिना, विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल, अगर कोई अनुशासित नहीं है अपने जीवन में, इंद्रिय पे जीत नहीं किया है और आज्ञाकारी नहीं है, तीन गुण बताए। पहला इंद्रजीत, इंद्रियों का दमन करना सीखे, शिष्य का कर्तव्य है, जो इंद्रिय भोग में लगा रहेगा कभी शिष्य नहीं बन पाएगा। दूसरा अनुशासित, अपने जीवन में अनुशासन रखे, गुरु की आज्ञा को पालन करना अनुशासन है, जैसा बोला वैसा करना अनुशासन है। और उसी को तीसरा गुण बताया गया है आज्ञाकारी। तीनों एक दूसरे के पर्याय भी हो सकते हैं एक तरह से। गुरु की आज्ञा क्या है? इंद्रियों भोग मत करो, कृष्ण की सेवा करो, ये आज्ञाकारी हो गया, वही इंद्रजीत हो गया, वही अनुशासित हो गया। लेकिन तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंद्रजीत होना, अनुशासित रहना और आज्ञाकारी रहना। ऐसा व्यक्ति गुरु के उपदेश को पालन कर सकता है। अगर कोई इंद्रजीत नहीं है, अनुशासित नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है तो गुरु का उपदेश पालन कभी भी नहीं कर पाएगा। और जो गुरु का उपदेश पालन नहीं कर पाएगा भगवत धाम कभी भी नहीं जा पाएगा। इस प्रकार नारद मुनि अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं।
लेकिन एक संभावना है, अगर कोई के अंदर नारद गुणी मुनि जैसे गुण ना भी हो तो एक और रास्ता है, जो रास्ता अगले श्लोक में बताया है। ये सरल रास्ता है। क्या बताया है? उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजाई सकृत समाभुंजित दपासता किल विषय एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसं तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। वसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। हरे कृष्ण। तो अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी के अंदर गुण नहीं है, तो एक गुण अपने जीवन में ला सकते हैं, विनम्रता। ये झूठन लेने का मतलब क्या है? किसी का झूठन खाना मतलब, किसी का उच्चिष्ट खाना मतलब, उस व्यक्ति के सामने हम पूर्ण रूप से नतमस्तक हैं, विनम्र हैं। अगर हम अपने जीवन में विनम्र नहीं होंगे तो किसी का झूठन नहीं खा सकते हैं। कई बार हम लोग छीना छपटी भी करते हैं, भक्तों की प्लेट से प्रसाद छुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है अनुमोदितम। नारद मुनि ने अनुमति से मांग के, भिक्षा लेकर के झूठा मांगा, क्या आप, मैं आपका ये उच्चिष्ट अवशेष खा सकता हूँ? यह विनम्रता भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। इसको देख करके भक्त लोग जीवात्मा के ऊपर कृपा करते हैं। एक भक्त अपने प्रवचन में बता रहे थे, कई बार हम दिखावा करने के लिए भक्तों का उच्चिष्ट लेते हैं, उनकी थाली से उठाते हैं या उनके सामने ही खाते हैं, लेकिन रोजाना मंदिर में डस्टबिन में भक्त लोग कुछ ना कुछ अवशेष अपने फेंकते हैं। कौन ऐसा होगा जो डस्टबिन से उठा करके खाएगा? लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा किया, बहुत सारे भगवान के भक्त, यदु ठाकुर ने इस तरह किया, चैतन्य चरितामृत में हम ये सब उदाहरण पढ़ेंगे। इन लोगों का हृदय इतना विनम्र है कि हम भक्तों की सेवा, भक्तों की कृपा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे, बिना अनुमति के भी ग्रहण कर सकते, लेकिन विनम्रता का भाव होना चाहिए कि कैसे हम इनके तुच्छ दास हैं। हम कुत्ते को झूठा डालते हैं, गाय को तो हम झूठा भी नहीं डालते। तो किसी वैष्णव का कुकुर समान बनना, उच्चिष्ट लेने का अर्थ यह है। इस प्रकार की विनम्रता अगर किसी के अंदर हो तो फिर अगर इंद्रिय दमन ना भी कर पाए, अनुशासित ना भी हो, आज्ञाकारी ना भी हो, तो भी वैष्णव उसे कृपा सिद्ध बना देते, कृपा दे करके सिद्ध कर देते। लेकिन विनम्रता भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। उस प्रकार से नारद मुनि अपने जीवन से बता रहे, मैं तो छोटा बालक था, उनकी व्यक्तिगत सेवा करता था और इधर उधर खेलने में मेरा कोई रुचि नहीं थी, पर एक बार मैंने उनसे आज्ञा मांग करके उनका अवशेष खाया, वो अवशेष खाने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मैं जब शुद्ध हृदय से वैष्णव के प्रति आकर्षित हुआ। देखिए, भगवान के वैष्णव तब आकर्षित दिखेंगे जब हृदय शुद्ध होगा। अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम वैष्णव में अपराधी देखेंगे। यहाँ पर यह भी सिद्धांत बताया गया, वैष्णव के प्रसाद उच्चिष्ट सेवन करने से हृदय शुद्ध हुआ और शुद्ध हृदय से भगवान के वैष्णव और आकर्षित दिखने लगे। इस प्रकार नारद मुनि अपने स्वयं के उदाहरण से बता रहे। वीर प्रसाद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और वह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसे जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी शब्द भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बालक
बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के नाम यश गुण लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती है, अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षण नहीं होता। भक्ति पद के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूति आ सकती है और अंत में वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद ने विश्लेषण किया है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में यदि रहेंगे तो उनकी संक्रामक बीमारी हमको लग जाएगी। और बीमारी क्या है? भगवत प्रेम। वो जिस तरह शुद्ध है हम लोग भी उस तरह शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन यह विश्वास, यह विनम्रता के साथ भक्तों की सेवा, भक्तों का उच्चिष्ट खाना चाहिए। ऐसे तो हम ट्रक भर के भी अगर भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट खाएं तो उसका कोई असर नहीं होगा, अगर भावना शुद्ध नहीं होगी। एक बार रामानुजाचार्य के साथ एक पुखर, एक सरोवर के पास में बैठे थे। रामानुजाचार्य ने प्रसाद प्राप्त किया भगवान का, तो प्रसाद प्राप्त करने के बाद उस सरोवर के पास में जा करके रामानुजाचार्य ने जब हाथ धोए तो उन हाथों में लगा हुआ उनका उच्चिष्ट पानी में गया और पानी में एक मछली ने उस उच्चिष्ट को खाया और चतुर्भुज रूप ले करके वह वैकुंठ के साथ चली गई। तो ये शिष्य देख रहे थे कि कैसे हमारे गुरु महाराज का थोड़ा उच्चिष्ट खा करके ये मछली तुरंत विष्णु दूतों का स्वरूप होता है वो प्राप्त करके वैकुंठ चली गई। तो हम तो इतना डेली खाते हैं, हमको क्यों नहीं कुछ हो रहा है, ऐसा क्यों है? उसका कारण है कि वो मछली इनोसेंट थी, उनके अंदर गुरु के प्रति किसी प्रकार की जड़ भावना नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम भक्तों को जड़ भावना से देखते हैं इसलिए भक्तों की कृपा हम प्राप्त नहीं कर पाते। जिस दिन हम इस छोटे बालक की तरह, जो नारद मुनि अपने पूर्व जन्म कथा बता रहे हैं, इसके जैसे सरल बन जाएंगे, सहज बन जाएंगे, तो शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करके हृदय को शुद्ध कर पाएंगे। जब तक हृदय में ये कुटिलता रहेगी, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी रहेगी, हिपोक्रेसी रहेगी, मिथ्याचार रहेगा, शुद्ध भक्तों की कृपा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक बालक जैसी सहजता भक्ति जीवन में होना चाहिए। उद्धव को भी भगवान कृष्ण यही एकादश स्कंद में बोलते हैं कि एक छोटे बालक से सरलता सीखो। अगर हम इस प्रकार सरल हो पाएंगे तो शुद्ध भक्तों की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किस प्रकार आगे की कहानी हुई। अभी तो जिस प्रकार हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में पहले स्टार्टिंग सीन बहुत अच्छा होता है, फिर एक ट्रेजेडी आती है बीच में, फिर ट्रेजेडी से निकल के फिर हीरो बाहर निकलता है, इस तरह मूवी होती है। तो इसी तरह नारद मुनि की पिछले जन्म की कहानी भी इस तरह ही, अभी अच्छा अच्छा सब चल रहा है, अभी फिर ट्रेजेडी होगी, फिर ट्रेजेडी से बाहर निकलेंगे और फिर नारद मुनि बनेंगे, तो फिर हम लोग कहानी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? विनोद प्रभु प्रश्न है? नो प्रभु। ओके, जिन्हें प्रश्न नहीं है हैंड डाउन कर सकते हैं। अजय प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक 21 में आपने बताया था बद्ध जीव के चार दोष, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, ये बद्ध जीव के चार दोष प्रभुपाद ने अपने अनेक पुस्तकों में बताया, चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। प्रथम है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जैसे हम आंखों से किसी स्तर तक ही देख पाएंगे, कानों से हम कोई एक रेंज में ही सुन पाते हैं,
एक कुत्ता हमसे ज्यादा रेंज में सुन पाता है, हमारी इतनी इंद्रियां कमजोर है। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो ये अपूर्ण इंद्रियों से अपूर्ण ज्ञान मिलेगा। मान लीजिए जैसे मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था, हमारी आंखों से हम देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश थोड़े दूर जाकर के मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो अपूर्ण इंद्रियों से हमें अपूर्ण ज्ञान मिलता है, इसलिए हम भ्रम में पड़ते हैं। दूसरी स्टेटस है भ्रम। फिर क्योंकि हम भ्रम में पड़ते हैं तो हम गलतियां करते हैं। व्यक्ति को अगर अपूर्ण ज्ञान मिलेगा, वो भ्रम में पड़ेगा तो दूसरों को भी यही बताएगा कि देखो देखो पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। तो ये भ्रम के कारण गलतियां होती हैं, और जब व्यक्ति गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए वो चीटिंग करता है। तो चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो दूसरों के साथ कपटता करता है। उस प्रकार से ये चार अवस्थाएं बद्ध जीव की है, जो बद्ध जीव के लक्षण है। लेकिन जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं या भगवान के अवतार होते हैं, ये चार बद्ध जीवों की अवस्था से ऊपर होते हैं। उनके द्वारा बताई हुई बात अपूर्ण नहीं है, वह पूर्ण है। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं तुम्हारी दृष्टि पूर्ण है, दो कारणों से। पहला तो भगवान के शक्तिवेश अवतार है, और दूसरा प्रमाणित परंपरा में आ रहे हैं। तो परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त करता है वो पूर्ण होता है, वो चार दोषों से उसका कोई संबंध नहीं है। उस प्रकार से प्रभुपाद उधर बता रहे हैं। ठीक है, अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे ये प्रश्न ये है कि मतलब जैसे कि भक्त लोग बोलते हैं, और कथा में मैंने सुना है कि भौतिक दुनिया में हमको जब तक हम संतोष रहते हैं हमें दुख मिलता है, हमें संतोष करना चाहिए। तो प्रभु जी लोगों का कहना ये है कि अगर राजा संतोष कर ले, व्यापारी संतोष कर ले, क्या उनके लिए प्रभु जी संतोष नहीं बनाया गया है, क्या उनको संतोष नहीं करना चाहिए? मतलब देखिए, संतोष कब करना चाहिए यह भी भगवान ने गीता में बताया। कर्म करने के समय संतोष नहीं करना चाहिए, तब आपका ये ड्यूटी है कि आप जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उसमें बेस्ट करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये अधिकार हमें जीवात्मा को दिया है भगवान ने, उस समय संतोष नहीं करना है। संतोष कब करना है? मां फलेषु कदाचन, जब फल की अपेक्षा ना हो वहां संतोष करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कर्म में ही संतोष करने लगते हैं, उसको सरल शब्दों में आलसी बोला जाता है। आलसी व्यक्ति को संतोषी नहीं बोलते हैं। संतोषी व्यक्ति कौन है? संतोषी व्यक्ति वह है जो अपने कर्म तो अच्छे से करे, लेकिन जब फल की अपेक्षा करने की बारी आए उस समय पर वो संतुष्ट रहे। तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक संतुष्ट है। ठीक है, तो व्यापारी जो व्यापार कर रहा है उसको अपना पूरा 100% देना है, लेकिन अगर उसमें लॉस हो जाएगा उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। किसान जब फसल लगा रहा है उसको 100% देना है, लेकिन बाद में फसल खराब हो जाएगी उसमें उसका कंट्रोल नहीं है। तो उस प्रकार से वो संतोष का मतलब आलस नहीं। जी एक प्रश्न और है कि मतलब लोग जो जप करना चाहते हैं, मतलब प्रभुपाद भी बोले हैं मतलब दिया करते हैं, लेकिन कुछ भक्त भी कुछ बोलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ब्रो जी मतलब अगर कोई भक्त जप करना चाहता है वो मतलब गलत कार्य, कुछ मांसोंस खा रहे हैं, बहुत लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं और भोग लगा के नहीं खा रहे हैं, तो ब्रो जी अगर वो जप करना चाहते हैं कि नहीं मुझे जप करना है, तो ब्रो जी उनको क्या जप माला देना चाहिए? मतलब जप कर सकते, शुद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। प्रभुपाद ने कैसे शुरू किया आंदोलन? पहले कृष्ण नाम दिया, कृष्ण प्रसाद दिया, फिर गंदी आदतें छूटी। हॉस्पिटल कौन जाता है? जो बीमार होता है। हम पहले से सोचेंगे नहीं, पहले एकदम शुद्ध होके आओ, पूरे नियमों का पालन करो, सब कुछ छोड़ दो, उसके बाद हरिनाम देंगे, तो फिर उसको आने की जरूरत ही क्या है, वो तो वैसे ही शुद्ध है। हरिनाम इतनी शक्ति रखता है जो तो सारी गंदी आदतों से शुद्ध करा सकते हैं। तो हरिनाम बिना विचार करके सबको देना चाहिए। लेकिन हाँ, जो विद्वेषी हो जाते हैं, जो आप प्रचार करेंगे वो भगवान को अपराध करेंगे, बुरा भला कहेंगे, आपके गुरु को बुरा भला कहेंगे, फिर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अवसर सबको देना चाहिए, एक बार कम से कम सबको बोलना चाहिए कि आप एक हरिनाम का जप कर सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, करेगा तो अच्छा है। अगर अपराधी बनेगा तो फिर थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। प्रोजी एक और बात है कि मतलब बुक वितरण प्रोजी करना इच्छा है, जाना चाहते हैं, लेकिन प्रोजी क्या है थोड़ा कभी कभी कहीं नए हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि उनको क्या बोले, तो शर्म भी लगता है, अकेले करना है
तो प्रभु जी मतलब ये लगता है उसमें उस टाइम क्या करना चाहिए, मतलब करना तो चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रभु जी कोई कुछ बोल रहा है मतलब अकेले हैं तो उस टाइम भी करना चाहिए, लेकिन बस ये प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा छोटे हैं तो मतलब लोगों को क्या बोलेंगे, मतलब बोलते हैं अरे ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ये धंधे के लिए कर रहे हैं, तो इस पे प्रभु जी कैसे मतलब उनको हम समझा पाए और बता पाए और दे पाए, मतलब अपने को भी उत्साह आए थोड़ा, मतलब थोड़ा उत्साह ऐसा सर मत लगते ऐसा लगता है क्या बोलेंगे लोग थोड़ा। देखिए ये जो बद्ध जीव है ना वो छोटे बच्चों की तरह, हम सब छोटे बच्चे बहुत सारे रीजन देंगे भक्ति नहीं करने की, लेकिन एक बार कृष्ण भक्ति उनके पास पहुंच जाएगी तो फिर उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो आपको आकर के बोलेंगे हाँ अभय प्रभु ने हमको भगवत गीता दी थी इसलिए हम भक्त बने। और अगर ऐसा कोई भक्त भगवत धाम पहुंच गया है आपकी गीता से तो वहां जाके रिकमेंडेशन देगा कि मैं यहाँ आया क्योंकि अभय प्रभु ने मुझे भगवत गीता दी। तो यद्यपि वो हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। मान लीजिए किसी ने एकदम सफेद धोती और कुर्ता पहन रखे हैं उसमें थोड़ा सा दाग लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई लुंगी पहन के घूम रहा है, लुंगी जानते हैं ना चेक्स वाली लुंगी होती है बहुत सारे कलर उसमें होते हैं, उसमें दाग का पता ही नहीं लगता है। तो हमारा चरित्र तो वैसे ही लुंगी जैसा है, हम जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से नीचे गिर गए, इतने सारे अपराध हमारे अंदर हैं, उनमें अगर कोई हमको ये बोले कि बिजनेस करता है तो क्या बुरी बात है, लेकिन अगर उसके पास भगवद गीता पहुंच गई गलती से तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन जो आएगा भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए बुक वितरण में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। आज तक जितने लोगों ने महान कार्य किया है लोगों ने पहले हमेशा उनका विरोध ही किया है, उनके बारे में भला बुरा ही कहा है, भला कम बुरा ज्यादा कहा है। तो इस प्रकार अगर सुनते रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभुपाद एक सरल कहानी बताते थे, दो मेंढक दूध में गिर गए और बड़ा प्रयास कर रहे थे बाहर निकलने का, लेकिन बाकी मेंढक जो बाहर थे वो लोग बोल रहे थे अरे ये तो बहुत गहरा दूध का पात्र है, आप लोग तो मर जाएंगे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक मर गया एक बाहर निकल गया, तो जो बाहर निकला उसको सब बोले अरे हम तुमको इतना समझा रहे थे तुम फिर भी कैसे बाहर निकले, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। बाद में पता पड़ा जो बाहर निकला था वो बहरा था, वो सुन ही नहीं पा रहा था कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। तो यही बात है, कौन क्या बोलेगा इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं कृष्ण हमारे पीछे खड़े हैं, जो कृष्ण का साथ हमारे साथ है तो फिर निश्चित ही विजय हमारे साथ है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय, उस प्रकार कॉन्फिडेंस के साथ प्रचार करना चाहिए। बाकी लोग उनके पास बोलने का अधिकार ही क्या है, उनके जीवन में ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो उनके पास अधिकार है। तो हम लोग को तो केवल उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उनके संदेश को अपना सके। ठीक है, नेक्स्ट बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक सिचुएशन है कि जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हमारा यही हम लोग सीखते हैं कि कभी भी बात करना हमें आवश्यकता के अलावा तो भगवान की चर्चाएं होना चाहिए। अब कई सारे ऐसे रिलेटिव है जो अनावश्यक या इंद्रिय तृप्ति की या इधर उधर की निंदा लड़ाई ये सब, तो मुझे अंदर से मुझे वैसे मतलब बहुत गुस्सा आता है कि ये सब बातें क्यों। तो पहले तो प्रेम से बोलते हैं कि मतलब प्रभु जी इस सिचुएशन में हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बातें करने से तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और अगर भगवान के बारे में बताते हैं कभी तो वो लोग उतना उस चीज को बस सुनते हैं हाँ ठीक है लेकिन फिर इग्नोर करते, या तो मुझे दूर होना चाहिए या क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना कीजिए भगवान इन सब को मेरे सब साथ वाले हैं, आप इनको भक्त बनाएंगे तो मेरी भक्ति में मदद होगी, अगर ये भक्त नहीं बनेंगे तो मुझे प्रजल्प सुनना पड़ेगा, मेरी भक्ति खराब होगी। यदि आप मुझे भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनको ही भक्त बनाना पड़ेगा, इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। और थोड़ा डिवोटी को इंटेलिजेंट होना चाहिए, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। इंटेलिजेंटली आप टॉपिक बदलिए, और अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर बोलिए थोड़ा डोरबेल बज रही है मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, इस तरह कुछ बोल के टॉपिक खत्म भी कर सकते हैं। डिवोटी को इंटेलिजेंट होना चाहिए कि कैसे अपना समय का सदुपयोग करें, दूसरे को बुरा भी ना लगे लेकिन इंटेलिजेंटली अपने समय को वो व्यर्थ भी ना गवाए। जी 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 प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे और इस तरह से करेंगे। मुकुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी एक्चुअली मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पर जैसे मतलब कॉलेज में कुछ गलत एसोसिएशन मिल जाता है, मतलब जो मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं, तो मतलब उनसे मैं दूर भी नहीं जा सकता, तो मतलब खुद कौन से प्रोटेक्ट कैसे रखूं। आपको मैं मिला था संडे को और आपके लिए पांडव सेना का निर्माण किया गया है उज्जैन में और बेस भी है उज्जैन में, तो आपको जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की। जब व्यवस्था है भक्तों के साथ ही रहिए, उनके साथ ही अपना समय व्यतीत कीजिए, और कॉलेज में जाना है पढ़ाई करने के लिए तो कॉलेज में जस्ट पढ़ाई करके वापस आ जाइए। और भक्त एक पारसमणि के समान है, आपके संपर्क में आकर के बाकी भक्त बनेंगे। यदि अपनी भक्ति बचाना है तो प्रचार करना है। अगर आप कॉलेज में जाकर के दो चार भक्त बना देंगे तो आपका एसोसिएशन उनके साथ ही रहेगा, तो फिर आपको उन फोर रिलेटिव प्रिंसिपल तोड़ने वाले भक्तों के साथ जो बाकी स्टूडेंट्स उनके साथ नहीं रहना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर वन शिफ्ट इन बेस, स्टेप नंबर टू प्रीच। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू। मयंक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था कि भगवद गीता में 13 चैप्टर में एक श्लोक आता है, अनपेक्षा सूची दक्ष उदासीन गंतव्य था सर्व आरंभ परित्यागी यह भक्त स मैं प्रिय। मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो सामान्य कार्यकलापों में आश्रित नहीं होता है, जो शुद्ध है, दक्ष, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। प्रभु जी इसके अगले श्लोक में भी बताते हैं जो हर्षित नहीं होता शोक नहीं करता, प्रभु जी ये स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जब तक कोई उत्कृष्ट वस्तु के प्रति आकर्षण ना हो, निकृष्ट वस्तु नहीं छूटेगी। कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी में स्विच कब करता है, मान लीजिए उसको 50,000 अभी मिल रहा है, अगर 50 से ज्यादा नहीं देगा तो दूसरी कंपनी में क्यों जाएगा। इसी प्रकार से जब तक हमें भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तब तक हम निकृष्ट वस्तुओं के प्रति उदासीन नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं परम दृष्टा निवर्तते, हायर टेस्ट। यहाँ नारद मुनि वही बता रहे हैं, जब भक्ति वेदांतों की उन्होंने सेवा की, उस सेवा के माध्यम से वह शुद्ध हुए, फिर भगवान के भक्तों के प्रति, उनकी कथा के प्रति आकर्षण आया। और जब वो आकर्षण आएगा तो अपने आप सारी बाकी भौतिक वस्तुओं के प्रति भक्त उदासीन हो जाएगा। तो वह स्थिति आने के लिए एकमात्र उपाय है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान के भक्तों से सुनने के प्रति रुचि रखें। जब ये दो चीजें रहेंगी, धीरे 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 हम लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी स्थान में खड़े हैं, बहुत धूप लग रही है आपको, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पूरे कपड़े गीले हो गए, लेकिन कोई आपको आकर के बोला 10 मिनट और आप रुकोगे तो आपको हम iPhone 11 देंगे। ना iPhone 11 नहीं, अभी कौन सा चल रहा है, 14 चल रहा है, iPhone 14 देंगे, तो आप क्या 10 मिनट और खड़े नहीं होंगे वहां पर? आराम से खड़े होंगे, बोले 10 मिनट और धूप सहन करना कोई दिक्कत नहीं, हमको iPhone 14 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हायर टेस्ट लग जाए, अगर कोई भक्त को पता है वह भगवत धाम जाएगा, गुरु की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है, भागवत श्रवण कीर्तन उसके जीवन का उद्देश्य है, तो फिर भौतिक संसार में उसको सम्मान मिले ना मिले उसकी अपेक्षा वो करेगा ही नहीं, उसके लिए उसका जीवन है ही नहीं, उसको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, तो छोटे भौतिक संसार की रेस में उसको भागने की आवश्यकता ही नहीं। मान लीजिए चूहों की रेस में कोई फर्स्ट भी आ जाए तो रहेगा तो चूहा ही ना, तो भौतिक संसार से तो हमारी वैसे भी रेस नहीं है, तो इसीलिए भौतिक संसार से व्यक्ति उदासीन हो जाता है जो कृष्ण कथा में भगवत सेवा में रुचि रखता है। ठीक है जी प्रभु जी, बट प्रभु जी कोई मतलब ऐसे भौतिक संसार में रहके तो इस तरीके से नहीं कर सकता प्रभु जी, जैसा है बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अनेक अनेक करोड़ों उदाहरण है जो भक्त लोग भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है, इतने सारे भक्त हैं जो अपनी भगवत भक्ति में इतने सचेत हैं, इतने एब्जॉर्ब्ड हैं, अपने कार्य क्षेत्र को भी अच्छे से करते हैं, लेकिन वो मान सम्मान से ऊपर है, वह ये भौतिक संसार से उदासीन है, उनके जीवन में जो होता है वो भगवान की कृपा मान करके अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार भक्तों का संग हमें लेना चाहिए। देखिए, जब तक हम अपने से ज्यादा गंभीर भक्तों का संग नहीं लेंगे ना, हमको यही लगेगा कि प्रैक्टिकल नहीं है। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आपको लगेगा कि 5 बजे उठना मेरे जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि है, मैं कितना अच्छा भक्त बन गया कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। लेकिन आप संडे को मंदिर में जाएंगे
और आप एक दो भक्तों से बातों बातों में पूछेंगे प्रभु जी आप कितनी बजे उठते हैं, तो मान लो कोई भक्त बोलेगा मैं 3 बजे उठता हूँ, मंगला आरती के पहले मेरी 12 माला हो जाती है, तो आपको समझ में आएगा अरे बाप रे मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक अपने से ज्यादा बड़े भक्तों से नहीं मिलेंगे ना, ऐसा ही लगेगा कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, जो भक्त लोग गंभीरता से अनुशीलन कर रहे हैं उनका संग करना चाहिए। जब ऐसे भक्तों से मिलते हैं दो चीजें होती हैं, एक तो भक्ति की प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है, किस तरह भक्ति व्यवहारिक है, और दूसरा उनकी कृपा से हमको भी शक्ति मिलती है वो कार्य करने के लिए। इसलिए भक्तों का संग, ये नारद मुनि वही बात पे बल दे रहे हैं कि मैंने केवल 4 भक्ति वेदांतों का संग लिया, उनकी सेवा की और अब मेरे भगवत भक्ति प्राप्त हुई। तो ठीक है, अभी मेरे को जाना है, मैं बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो हम लोग कल फिर आगे चर्चा करेंगे, और कोई प्रश्न है तो कल ले सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।